आए दिन हम एक्सीडेंट्स की खबर करते हैं कवर, और अभी एक और हादसा जो है वो सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये गुजरनगर ब्रिज की एक गाड़ी जो आप देखिए क्षतिग्रस्त हुई है, हरियाणा नंबर गाड़ी है। और जो अभी तक यहाँ स्थानीय लोग जिन्होंने ये देखा, उनका मानना है कि ट्रक जो है उसके साथ ये गाड़ी हिट हुई है। ट्रक ने ओवरटेक करने की कोशिश की और उस ओवरटेक के चक्कर में जब ट्रक आगे पहुंचा तो इसने ब्रेक की और उसके बाद जो गाड़ी की ये हालत हुई है। गुजरनगर ब्रिज की तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें यूनिवर्सिटी का बैकग्रेड पड़ता है डिस्टेंस एजुकेशन के बाहर, बिल्कुल वहां की ये तस्वीरें हैं। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, शीशे टूटे हैं, बिखरे हैं, और जिनकी गाड़ी है वो भी हालांकि यहीं पर मौजूद हैं। नंबर में आपको एक बार पढ़ाना चाहूँगा, पीछे नंबर प्लेट लगी हुई है, आगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या बुरी हालत हुई होगी इसकी। एक बार नंबर मैं चाहूँगा पीछे दिखाने के लिए। और अंदर से देखिए आप, शीशा पूरा टूट चुका है। और सबसे बड़ी बात है, जब इस तरह के कभी एक्सीडेंट होते हैं, इसमें अच्छी बात यह है कि किसी को चोट नहीं आई। HR51AP7191 ये XUV500 महिंद्रा की गाड़ी का नंबर है, और जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अच्छी बात है कि किसी को चोट नहीं आई गंभीर रूप से, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी का फ्रंट दिखाई दे रहा है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी ज़ोर से हिट की होगी ये गाड़ी। और हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर हो तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, फोर व्हीलर हो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, और गाड़ी हमेशा धीरे चलाइए। कहीं पर जाना हो 10 मिनट पहले निकल जाइए, अगर आप देरी से भी जा रहे हो, कहीं देर होगी है तो भी आप धीरे चलाइए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका घर पर आपके परिवार वाले बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से आपको आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि कितनी ज़ोर से ये गाड़ी जो है वो हिट की गई है। और अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं, कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर और कोई इस गाड़ी की वजह से हादसा ना हो और ट्रैफिक भी जो है सुचारू रूप से चले। तो ये विजुअल्स आप देख सकते हैं गाड़ी की कितनी बुरी हालत है, पूरा फ्रंट जो है गाड़ी का वो बिल्कुल टूट चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सयूवी गाड़ी है और काफ़ी ज़ोर से ये हिट की गई है, जिसके कारण जो है आप देखिए कुछ सामान जो है जो टूटने के बाद नीचे गिरा है, ये सारा स्पेयर पार्ट, ये वो स्पॉट है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और ट्रक के साथ हिट किया गया। और ट्रक फिलहाल जो है वो यहाँ पर जो कंसर्निंग बागेबो की चौकी है वहाँ पर ले जाया गया है। और ये इस स्पॉट पर जो है एक्सीडेंट हुआ है, और आप टूटे हुए पार्ट्स जो हैं इस एक्सयूवी के वो भी देख सकते हैं। लेकिन आए दिन इस तरह की जब घटनाएं सामने होती हैं, हम कवर करते हैं। और आपको बता दें, हमेशा हम यही कहते हैं, गाड़ी धीरे चलाइए, तेज़ गति से गाड़ी नहीं चलाइए। परिवार से बात करने का प्रयास करते हैं जिनकी ये गाड़ी है, और पूछेंगे इनसे आखिरकार सिचुएशन हुई क्या, क्या है पूरा मामला। यहाँ सामने एक साइड में ट्रक रुका हुआ था, सडनली उसने भी चलना शुरू कर दिया, राइट को मोड़ दिया, तो मैं उन दोनों गाड़ियों के बीच में सैंडविच हो गया, जो ओवरटेक कर रही थी और यहाँ से जिसने ट्रक निकाला, मैं दोनों के बीच में फंस गया। That is how it happened. आप अकेले थे गाड़ी में? मैं अकेला था। ट्रक का नंबर क्या था, कुछ जानकारी है? नहीं, मुझे याद नहीं। एयरबैग नहीं खुले? ये तो एयरबैग गाड़ी है ना? हाँ, एयरबैग गाड़ी है लेकिन खुले नहीं। नहीं, थोड़ी सी तो लगी लेकिन मैं। आप अकेले थे गाड़ी? हाँ, मैं अकेला था। हाँ, अंदाजन कितनी स्पीड होगी जो गाड़ी, अगर ट्रक की बात करें, पीछे वाली गाड़ी थी आपकी गाड़ी की, अंदाजन कितनी स्पीड थी? क्योंकि गाड़ी की दशा देख के लग रहा है काफी तेज स्पीड में थी। बिल्कुल, जो गाड़ी की इस वक्त हालत, नहीं, अगर आप उधर को देखेंगे ये सारा न्यूट्रल है जी, ठीक। आप हमेशा इसमें न्यूट्रल में आते हो और सेकंड या थर्ड गियर में मैक्सिमम यहाँ पहुँचते हो। मेरी स्पीड 30 से ज़्यादा नहीं है, 30 या 40 की। हाँ, 30 से 40 तो बहुत ज़्यादा इसके लिए, 30 या 40, 30 या 40 मान लीजिए। तो ओवरटेक करने के चक्कर में ये हादसा हुआ? नहीं, मुझे ओवरटेक कर रहा था एक थर्ड कार ऑल्सो, जो मुझे ओवरटेक करने के लिए कर रही थी, आगे से ये ट्रक भी निकला तो मेरे लिए रास्ता ही नहीं बचा कहीं जी। ट्रक ने भी राइट ले लिया और एक ओवरटेक भी कर रहा है, तो मेरे पास कुछ वो था ही नहीं रास्ता अदर देन ब्रेक। सब सेफ है? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। तो ये है पूरा, आपने हमने उनसे परिवार से भी बात की, तो तस्वीरें आपके सामने है कि ये हादसा हुआ कैसे, और एक ही समय पे दो गाड़ियां ओवरटेक कर रही थी और इनके पास रास्ता नहीं बचा कि अब मैं किस तरफ जाऊं। और
ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर जो हमेशा ये सोचता है कि किस तरीके से जान बचे और हादसा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बचाते बचाते भी चलो गाड़ी है टूट के बिखरी है फिर से बन जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है जितने भी लोग यहाँ पर सवार थे इस गाड़ी के अंदर वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और इन्होंने बताया कि हमारी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, बस दो गाड़ियां एक टाइम पे जो है ओवरटेक कर रही थी, इसके बीच में मुझे समय नहीं मिला, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, उस वजह से ये ज़ोर से हिट की गई है और ये सारा स्पेयर पार्ट जो है वो नीचे पड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है, सुखद बात है कि किसी को चोट नहीं आई गंभीर रूप से, जान बची तो लाखों पाए। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम अक्सर बोलते हैं जब भी इस तरह के एक्सीडेंट जो होते हैं, हम अक्सर ये बोलते हैं कि इस तरीके से जब हादसे पेश आते हैं हम अक्सर